स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। हमारे साथ क्लाइमेट एक्टिविस्ट और एजुकेशनिस्ट सोनम वांगचुक जुड़ गए हैं, जो एक लंबी यात्रा कर दिल्ली तक पहुंचे थे। हिरासत में लिया गया था उन्हें, अब छोड़ दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर वो मौजूद हैं। सोनम जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर आने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनम जी, एक लंबी यात्रा कर आप दिल्ली तक पहुंचे, उसके बाद आपको आपने अनशन शुरू किया, फिर हिरासत में लिया गया, तो ये जो आपका एक्सपीरियंस रहा पिछले 2-3 दिन का, उसको आप किस तरह से अब देखते हैं? जी जी, धन्यवाद आपका। अनशन पे बैठे फिर हिरासत में नहीं, मेरा अनशन का कोई ऐसा योजना नहीं थी। हम तो सीधे बस से हरियाणा को लांघते हुए, अवॉइड करते हुए आ रहे थे, क्योंकि वहाँ चुनाव हो रहे हैं और हम उस पर असर नहीं डालना चाहते थे। आधे रास्ते में बस जब दिल्ली पहुँचने लगी, हमारे पास एक नोटिस आया कि दिल्ली में प्रोहिबिटरी दफ़ा 163 लगा है, आप ये सब लोगों को जुड़ना नहीं दिया जाएगा। जैसे ही हम दिल्ली पहुँचे तो पुलिस ने हमें हिरासत में लिया, तब हम अनशन पे बैठे। वैसे नहीं बैठे, अनशन पे तब बैठे, और हमारी ये मांग थी कि हमें किसी भी तरह बापू के समाधि पे ले जाया जाए और हमें देश के एक शीर्ष नेता से, प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदय जी से मिलने का अरेंजमेंट किया जाए। तो 2 दिन के लिए हमें हिरासत में रखा गया है। तकलीफें हुई मगर हमें उसका कोई वो नहीं है, पछतावा नहीं है, क्योंकि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और इससे हमारा संदेश पूरे देश तक पहुंचा, तो हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। कोई मुश्किल नहीं हुई, तो फाइनली हमें राजघाट पर जाने का भी मौका मिला। और अब रहती बात है कि शीर्ष नेता से भेंट की, वो आज 5 बजे तक गृह मंत्रालय ने जो एश्योरेंस दिया था उस अनुसार वो हमें नाम और समय या आज भेंट कराएंगे, ये हमारी उम्मीद है। सोनम वांगचुक जी, आपने कहा कि शीर्ष नेतृत्व से मिलना चाहते हैं आप, प्रधानमंत्री या गृहमंत्री या राष्ट्रपति, तो आपको इसको लेकर भी कोई आश्वासन दिया गया है कि किससे मुलाकात आपकी हो सकती है, या ये तय किया जाएगा गृह मंत्रालय द्वारा कि आप किससे मिलेंगे, या आपकी मांग इन तीनों के अलावा भी किसी और से मिलने पर आप? हमारी तो पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, और अगर आप इन तीनों में से किसी से नहीं मिलते हैं तो फिर क्या होगा आपका, उसको लेकर भी कोई प्लान है? हाँ, वैसे तो हमें पूरी उम्मीद है कि उनका आश्वासन खरा उतरेगा और वो पूरा करेंगे। अगर वो बिल्कुल ही कुछ नहीं करते हैं और हम 150 लोग 1 महीना पैदल चलकर दिल्ली आकर किसी से भी मिले बिना जाना हुआ, तो फिर हमें दोबारा अनशन करना पड़ सकता है, ये है, मगर अभी भी उम्मीद जिंदा है। और आपकी जब बात हुई अधिकारियों से, तब आपने ये बात कही है कि आप, जाहिर सी बात है, इतना लंबा सफ़र तय कर आए हैं तो आपकी मुलाकात होनी ज़रूरी है ताकि आप अपनी बात कह सकें, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप तब तक, जब तक की मुलाकात नहीं होगी तब तक आप फिर दिल्ली में ही रहेंगे, अनशन करेंगे? जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक हो जाएगा, मगर अगर नहीं होता है तो जी हाँ, फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा जिसकी उम्मीद है, ज़रूरत न पड़े। आप जो मांगे लेकर चले थे और जो मांगे आप लेकर, पहले आपने लद्दाख में, लेह में, वहाँ पर भी अनशन किया, और उसके बाद आप अपनी मांगों को लेकर इतनी लंबी पैदल यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, उन मांगों को लेकर भी क्या कोई अभी बात हुई है आपकी? वो तो मांगे वही हैं जो पहले से थी। आपको बताऊं कि लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली, क्योंकि लद्दाख में कोई लोकतंत्र का मंच अभी नहीं है, एक शख्सी राज सा चल रहा है, तो लोकतंत्र बहाल होता है एक तो जैसे हर स्टेट में है वैसे ही स्टेटहुड या असेंबली से, और दूसरा एक अलग प्रावधान है खासकर ऐसे जगहों पर जैसे लद्दाख है, जहाँ जनजातीय समुदाय बहुत हैं, वहाँ लद्दाख में 90% से भी ऊपर हैं, तो इसमें 6वां शेड्यूल स्थानीय समुदायों को एक विशेष लोकतंत्र का मंच देता है, जिला स्वायत्त परिषद, तो इसकी मांग है। और मैं खुद तो वैसे एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, मगर मैं इसका इसलिए समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि
जब स्थानीय लोगों की भागीदारी होती है तो पर्यावरण का सबसे अच्छा प्रबंधन होता है, क्योंकि वो हजारों साल से रहते आए हैं और उन्हें रहना है तो वो उसकी देख रेख बेहतरीन करेंगे, ना कि वो जो 2 साल 3 साल के लिए आएंगे कोई अफसर कोई कंपनी, वो तो उसका फ़ायदा लेके यूज़ एंड थ्रो करके चले जा सकते हैं। तो इसलिए पर्यावरण की बेहतरी स्थानीय लोकतंत्र में है, इसलिए मैं इसकी समर्थन करने आया हूँ। लेकिन इसको लेकर अभी तक, अब तो आपकी मुलाकात होगी और आप अपनी बात रखेंगे, लेकिन इसके पहले भी आपकी बात हुई है कई स्तर पर, तो अभी तक क्यों आपको लगता है कि ये बात नहीं मानी जा रही है, या इसको लेकर क्या आपको आश्वासन दिया गया है, क्यों आपको इतनी लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ी? जी, इसके बारे में हर कोई आश्चर्यचकित है, क्योंकि 2019 में लिखित में वचन दिए गए थे कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में लिया जाएगा, ये सरकार की तरफ से ही आए और ये चुनावी घोषणा पत्रों में पहले नंबर पे हैं, इसके आधार पर चुनाव जीते गए, लोगों ने जी भर के समर्थन दिया, तो ऐसे फिर बाद में इस पर कुछ भी ध्यान न दें, ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत दुखद एक उदाहरण होगी, क्योंकि फिर अगले चुनावों में कोई भी कुछ भी बोले किसी को कोई विश्वास ही नहीं होगा। तो इसलिए हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर अमल होगी, ये सबसे बड़ी वो है। क्या क्या वो जो आश्वासन थे या वो जो वादे थे उसी की वजह से तब जबकि ये फैसला लिया गया था 2019 में किस तरह से विभाजन किया जाएगा जम्मू कश्मीर का और अलग किया जाएगा लेह लद्दाख को, तब जश्न मनाया गया था, क्या उस भरोसे पर ही वो खुशी थी वहां पर? जी जी, एक तो वैसे भी लोग ये समझ रहे थे कि यूटी बनेगा तो उसके साथ असेंबली भी आएगी और संरक्षण के लिए 6वां शेड्यूल भी आएगा, ये तो लोग सोच के चल रहे थे। जो नामुमकिन है वो दे रहे हैं, तो जो छोटे छोटे साइड डिशेस हैं वो ना आए किसी ने कभी सोचा नहीं था। बाद में पता चला कि यूटी तो आ गई, मतलब जिस्म आ गया मगर जान नहीं आई, तो ये बेजान एक परिंदा है जिसके पर काट दिए गए हों और अब जबान भी काट दिए गए हों, तो फिर इसलिए लोग बहुत नाखुश हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक वादा किया गया था और उस वादे के आधार पर लोगों को भरोसा था कि यूटी बनेगा और 6वें शेड्यूल में शामिल किया जाएगा, लेकिन वो वादा अधूरा ही रह गया, पूरा नहीं किया गया वादा। सोनम जी, आपने ट्विटर पर आपने एक एक्स पर पोस्ट किया है और उसमें आपने कई मांगे रखी हैं, लद्दाख के लिहाज से क्या है, नेशनल लेवल पर क्या है, ग्लोबल लेवल पर क्या है, जो आप उम्मीद करते हैं कि होना चाहिए, यही मेमोरेंडम, यही आप जो अपनी बात है वो अब जबकि आपकी मुलाकात होगी शीर्ष नेतृत्व से उनके सामने रखने वाले हैं, या उनके सामने आपकी जो मांगे हैं वो क्या होने वाली हैं, इसके अलावा भी कोई मांग? जी जी, जी यही होने वाली, खासकर लद्दाख की, बाकी तो हमारी उम्मीद है आशा है, ऐसा कोई मांग नहीं है, मगर लद्दाख की जो है वो वचन है तो उस पर हम उनका पुनर्स्मरण कराएंगे, याद दिलाएंगे। धन्यवाद आपका जी। सोनम जी, एक बार फिर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक लंबी यात्रा कर यहाँ तक पहुंचे हैं आप, यहाँ से क्या लेकर वापस, क्या आश्वासन लेकर वापस जाना चाहते हैं, यानी आप क्या सिर्फ मेमोरेंडम दे देंगे, मुलाकात कर लेंगे, उतने भर से संतुष्ट होंगे, या आपको आश्वासन भी चाहिए, क्या क्या है बेयर मिनिमम जो चाहते हैं जिसके बाद आप यहां से वापस जाएं? जरूरी है, क्योंकि उसमें हम आश्वासन लेना चाहेंगे। जी हाँ, बहुत शुक्रिया सोनम वांगचुक जी, TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। सोनम जी, अगर आप मेरे एक और सवाल का जवाब दे दें चलते चलते। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जी। मेरा आपसे एक सवाल वो ये कि ये बार बार कहा जाता है, आपकी तरफ से कहा गया कि 6वीं सूची में इसलिए शामिल नहीं करना चाहते हैं ताकि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो पर्यावरण को लेकर जब फैसले लेंगे तो वो अलग नज़रिए से फैसले लेंगे, अगर उद्योगपति आएंगे या वहाँ पर LG होंगे तो वो अलग तरह से फैसले लेंगे, और शायद इस वजह से ऐसा हो रहा है कि 6वीं सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि यही वजह है, इस वजह से नहीं किया जा रहा है, और आप विकास भी जरूरी है तो विकास को फिर किस तरह से देखते हैं और पर्यावरण के संरक्षण को किस तरह से, दोनों को का बैलेंस कैसे फिर? जी जी, मैं थोड़ा समय के अभाव में हूँ, तो हाँ यही हमारा डर है कि औद्योगिक गुट जो हैं वो गवर्नमेंट पर दबाव डाल रहे हैं, सरकार पर, कि इसे संरक्षित ना रखा जाए,
ताकि उनके खेल के लिए ये खुला रहे। तो हमारा एज ए साइंटिस्ट ये सुझाव है कि जब एक तरफ से दबाव हो तो दूसरी तरफ से इक्वल एंड अपोजिट दबाव हो लोगों का भी, तो फिर सरकार संतुलित निर्णय दे पाएंगे। इसीलिए हम ये पद यात्रा कर रहे हैं, ये अनशन कर रहे हैं और आज आपसे बात कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सोनम वांगचुक जी, टीवी 9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए।